हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। हमको पहले पार्ट में दिया हुआ है सारणिक का प्रयोग करके 1.2 और 3.6 को मिलाने वाली रेखा का हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कैसे रेखा का समीकरण ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, यहां पर अपने को दो ही बिंदु दिए हुए हैं। चलिए मैं इनको बिंदु ए अर्थात 1.2 और बिंदु बी और जो कि 3.6 मान लेता हूं। अब मैं जानता हूं मुझे रेखा का समीकरण लिखना है, अर्थात वो x और y के पदों में ही आएगा। तो चलिए मैं तीसरा बिंदु सी x, y मान लेता हूं। अब आप देखिए, यदि मैं रेखा का समीकरण लिखूं तो ये ए बी और सी तीनों बिंदु ये सरलरेख होने चाहिए, अर्थात एक ही रेखा में स्थित हैं। तो इनका क्षेत्रफल भी अपने पास कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो मैं बस क्या करूंगा, इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले जो भी त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल जीरो कर दूंगा और जो मेरे पास आंसर आएगा वही मेरे पास रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेल्टा बराबर 1/2। डेल्टा हमने यूज किया है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। अब देखिए, मापांक का कोई भी यूज यहां पर नहीं है। अगर आप मापांक लिखना चाहते हैं तो लगाएं, अदरवाइज इसका कोई भी उपयोग यहां पर नहीं है क्योंकि वो जीरो के बराबर ही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारणिक। अब देखिए, आप कोई सा भी बिंदु पहले लिख सकते हैं, कोई सा भी बाद में लिख सकते हैं। चलिए 1, 2, 1 हो जाएगा, 3, 6, 1 हो गया, x, y, 1 हो गया। तो आपने देखा कि मैंने दाएं पक्ष में सारणिक लिखी हुई है अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल है और बाएं पक्ष में केवल क्षेत्रफल का चिन्ह दिखाया है। अब मैं ये तो जानता हूं कि क्षेत्रफल तो अपने पास जीरो होना चाहिए क्योंकि ए बी तथा सी अपने पास कैसे बिंदु हैं, सरलरेख हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको जीरो के बराबर कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए, मैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसको ओपन करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 1 और इसका मापांक लिखेंगे 1 से क्या बनेगा। देखिए, 1 से गुजरने वाली पंक्ति प्रथम पंक्ति है तो उसको मैं हटा देता हूं और प्रथम स्तंभ है तो इसको मैंने हटा दिया तो अपने पास बचेगा 6, 1, y, 1, -2। अब देखिए, 2 से गुजरने वाली प्रथम पंक्ति है और द्वितीय स्तंभ है तो इसको मैंने हटा दिया तो अपने पास बचेगा 3, 1, x, 1, +1। अब देखते हैं, 1 से गुजरने वाली प्रथम पंक्ति है और प्रथम स्तंभ है तो अपने पास जो अवयव आएंगे वो है 3, 6, चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, और x, y आ गया। अब केवल इसको मेरे को सरल करना रह गया है। तो देखिए, 2 को यदि मैं इधर ले जाऊंगा बाएं पक्ष में तो वो 0 ही आएगा। तो चलिए, 6 × 1 अपने पास 6 आएगा, माइनस y × 1 अपने पास y आ गया, -2। 3 × 1 हम जानते हैं 3 होगा, माइनस x × 1 x आ गया, +1। 3 × y अपने पास 3y आ गया, माइनस x × 6 अपने पास 6x आ जाएगा। तो अब बस केवल हम इसको सरल कर लेते हैं तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 6 − y − 6 + 2x + 3y − 6x = 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा सरल भी कर लेते हैं। तो देखिए, −6 और + 6 तो कैंसिल आउट हो गया भाई। तो अब क्या बचा हमारे पास, 2x और −6x मिलके −4x हो गया और +3y और −y मिलके +2y हो गया। और मैं यहां से 2 को कॉमन ले सकता हूं तो −2x + y = 0 भी आ गया। तो यहां से मैं −2x + y = 0 बोल दूंगा तो यही मेरे पास रेखा का समीकरण हो जाएगा। कोई कोई इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं y = 2x। तो चाहे आप कोई सा भी फॉर्म लिखें, दोनों आंसर अपने पास सही हैं क्योंकि वो एक ही रेखा के समीकरण ही हैं। चलिए अब हम द्वितीय पार्ट पर चलते हैं। द्वितीय पार्ट में भी हमें दिया हुआ है कि सारणिकों का प्रयोग करके 3.1 और 9.3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे हम कि तीसरा बिंदु हम x, y मान लेते हैं और जो तीनों बिंदु आएंगे वो सरलरेख हो जाएंगे और वहां पर क्षेत्रफल को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए, डेल्टा बराबर 1/2 और अब मैं सारणिक लिखता हूं। तो देखिए, सारणिक के बिंदु अपने पास थे 3, 1, 1।
मैंने बोला था आप कोई भी बिंदु कहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं एक यहां पर चेंज कर रहा हूं, हमने पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई वाला जो लाइन थी वो तृतीय पंक्ति रखी थी, अभी मैं उसको यहां पर द्वितीय पंक्ति रखता हूं, तब भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैंने यहां लिख दिया। और जो मेरा दूसरा पॉइंट था वो था 931। चलिए मैंने ये कर दिया। अब देखिए इसको सरल करते हैं, तो सरल करने पर पाएंगे कि भाई डेल्टा तो हमें जीरो करना होगा क्योंकि तीनों बिंदु तो सरल हो चुके हैं, तो मैंने ये लिख दिया 1/2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष में इस साढ़े को ओपन कर रहा हूं, तो तीन से गुजरने वाली पंक्ति को मैं हटा दूंगा और तीन से गुजरने वाले स्तंभ को हटा दूंगा, तो अपने पास बचेगा वाई 1 3 1 माइनस, अब मैं एक लिख दूंगा और एक से गुजरने वाली पंक्तियों को मैं हटा दूंगा। तो देखिए एक से गुजरने वाली अपने पास पंक्ति है पहली पंक्ति और द्वितीय स्तंभ में, तो इसको मैंने हटा दिया, तो अपने पास बचेगा एक्स 1 9 1 बचा प्लस। अब मैं इस एक को यहां पर लिख दूंगा, तो अपने पास क्या सारणिक बचेगा उसको एक बार देख लेते हैं। तो एक से गुजरने वाली पंक्ति प्रथम पंक्ति है उसको हटा दिया और यह हटा दिया, तो अपने पास कौन कौन से अवयव बचे, एक्स वाई तो लिख भी देते हैं और 9 3, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है। चलिए अब इसको हम केवल सरल करेंगे। तो देखिए अपने पास आ जाएगा 2 को यदि मैं बाएं पक्ष में भेजूं तो 2 × 0 मतलब 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3 y × 1 मतलब y माइनस 3 × 1 अपने पास 3 हो गया माइनस 1 कर दिया, x × 1 हम जानते हैं x आ जाएगा माइनस 9 × 1 अपने पास 9 हो गया प्लस 1 हो गया यहां पर। अब देखिए x × 3 मतलब 3x माइनस 9 × y मतलब 9y, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा 3y माइनस 9 माइनस x प्लस 9 प्लस 3x माइनस 9y बराबर 0 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और सरल करते हैं, तो देखिए माइनस का 9 और प्लस का 9 अपने पास ये कैंसिल हो गया, तो देखिए 3x और माइनस का x मिलकर 2x बन गया प्लस का, और माइनस का 9y और प्लस का 3y मिलकर माइनस का 6y बना, तो ये मैंने ये लिख दिया। अब देखिए 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो x माइनस 3y बराबर 0 बचा, तो यहां से अपने पास जो रेखा का समीकरण आएगा उसे मैं या तो लिख सकता हूं x माइनस 3y बराबर 0 या मैं लिख सकता हूं x बराबर 3y, दोनों आंसर एक ही हैं, आप कोई भी आंसर दे सकते हैं।